हम लेंगे अदरक, कद्दूकस का हरा लहसुन लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, एक प्याज लेंगे कटा हुआ, ये पचफोरन है। और गोभी को कद्दूकस करके हम लोग धुल के एक छन्नी में रख लेंगे। इधर हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें पचफोरन डालेंगे। जब वो तड़कने लगेगा तब उसमें हम लोग हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे। उसके बाद इसमें हरा लहसुन हम लोग डालते हैं। ठंडी में तो हरा लहसुन मिल जाता है आसानी से, तो हम लोग डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे प्याज, एक प्याज मैंने लिया था, चॉप कर लिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमको उसको गोल्डन नहीं करना, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अब इसमें जो मैंने कद्दूकस करके लिया था अदरक, वो डाल दूंगी। अच्छे से चलाएंगे। और ये जो मैंने गोभी को कद्दूकस करके लिया था उसको डाल के मिक्स करेंगे और अच्छे से चलाएंगे। इसको लगभग हमें 10 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम में। क्योंकि अगर हम इसको लो फ्लेम में रख देंगे तो ये गोभी जो है पानी छोड़ने लगता है। इसको मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। अब इसमें मैंने देखिए हरा धनिया डाल दिया और हरा सोहा भी मैंने डाल दिया है इसमें। नमक मुझे अभी नहीं डालना है क्योंकि नमक डालने से भी ये पानी छोड़ देगा, तो इसकी स्टफिंग जो पराठे बनाएंगे तो नहीं हो पाता अच्छे से। देखिए अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। फ्लेम को बंद करने के बाद ही नमक ऐड करना है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूँगी। देखिए कितना गर्मा गर्म इससे धुआं निकल रहा है। इतना टेस्टी लग रहा है, यम। अब मैं आटा ले लूंगी, इसको गूंथ के मैं एकदम सॉफ्ट डो लगाऊंगी। अब देखिए मैं इसको स्टफ कैसे करती हूँ। इसकी फिलिंग जो है 2 चम्मच मैंने डाला है लोई बना के। तो इसको हल्के से बेलना होता है। फिर मैंने इसको तवे पे डाल दिया है, इसको मैंने पलट दिया। तब नीचे से अगर सिक जाएगा तो ऊपर से हम घी लगा के इसको फिर से सेकेंगे। देखिए अब से सिक गया ये। अब दूसरी तरफ से भी इसको हम सेक लेंगे घी लगा के। कलर कितना सुंदर लग रहा है इसका। ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो इसको आप केचप के साथ ही हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो रायता के साथ भी कर सकते हैं।